स्वागत है मेरे प्यारे साथियों। मैं थोड़ा माफ़ी चाहता हूँ, थोड़ा सा लेट हुए हम, और थोड़ा देखो ये क्या खुद का ही टीम है, खुद ही हम करने वाले हैं तो थोड़ा सा दिक्कत हो जाती है। तो अब एक दो दिन में बिल्कुल सही, बिल्कुल सेट हो जाएगा प्रमोद जी, चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। तो जल्दी ही सब कुछ बेहतर होने वाला है, और जैसे जैसे आप लोगों का सहयोग बढ़ता रहेगा वैसे वैसे ये चीज़ें बहुत बेस्ट होने वाली है। ठीक है भाई, तो थोड़ा सा आप थोड़ा सा पेशेंस बनाए रखिए मेरे साथ में, मैं आपके लिए रोज़ इसी तरह से जो बेहतर टॉपिक है वो लेके आता रहूँगा भाई। आवाज़ आ रही है प्रॉपर? चलिए शुरुआत करते हैं, और शुरू करते हैं, पहले ही लेट हो गए हम थोड़ा सा। देखो साथियों, समय और शिक्षा का सही उपयोग ही व्यक्ति को सफल बनाता है, इससे बड़ी बात और कुछ नहीं हो सकती है। ध्यान रखिएगा, ये जो समय है ये स्टूडेंट के लिए इतना बेहतर समय है कि वो अगर अंदर जाएंगे और अपनी स्टडी करेंगे तो निश्चित रूप से कुछ समय बाद में वो वाकई में दूसरे लोगों से बहुत आगे निकल जाएंगे। तो सबसे पहला तो थॉट यही है कि आप जो है, कार्तिक शर्मा जी बिल्कुल स्वागत है आपका, कि सबसे पहले तो आप केवल और केवल अपने जो टाइम है इसको यूज कीजिए और अपनी स्टडी पे फोकस कीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे साथियों। हाल ही के अंदर एक समाचार पत्रों में आप देख रहे हैं, आज के न्यूज़ में आप देख रहे हैं, अभी अभी न्यूज़ आई है कि गोवा के तट से ये जो आपका साइक्लोन है जिसका नाम है तोकते या तोकाते, ये एक उष्णकटिबंधीय चक्रवात है, और ये चक्रवात अभी अभी गोवा से टकराया है और वहाँ पर 5 जनों की इससे मृत्यु हो गई है। ठीक है, तो देखिएगा, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गुजरात महाराष्ट्र आदि के मुख्यमंत्रियों के साथ दमन दीव और दादर नगर हवेली की जो प्रशासक है उनके साथ में मीटिंग करी है, और तैयारियों का जायजा लिया है कि कैसे हम जो है इस तोकते जो तूफान है, इस तूफान के नेगेटिव इम्पैक्ट से हम बच सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, और देखिए आप इस तरह का ये साइक्लोन आपको दिखाई दे रहा है, ये जिस तरह की फोटोज आपको दिखाई दे रही है इसी तरह की फोटोज वहां पर बन चुकी है, हालात बहुत ज्यादा खराब हैं। ठीक है, अब ये तो क्या होता है कि थोड़ा होता ही है कभी कभी कि सब कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट एक साथ ही आपके ऊपर आ जाते हैं, तो क्या करें, लड़ेंगे इनसे और क्या करेंगे, और जल्दी ही हम जीतेंगे। आगे चलते हैं हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ये देखिए, ये भारत सरकार और भारत का जो मौसम विज्ञान केंद्र है उसके द्वारा जारी किया गया एक मैप है, जो किस तरह से ये आपका यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है कि ये साइक्लोन स्टार्ट हुआ आपके अरेबियन सी से और बढ़ता हुआ, देखिए आप, कर्नाटक, केरल और कर्नाटक के तट से होता हुआ आपके महाराष्ट्र के तट को छूता हुआ, लगभग पूरे गुजरात को कंप्लीट करता हुआ राजस्थान के अंदर भी इफेक्ट डाल रहा है, और ये 16 मई 2021 जो है तब आज के दिन इसको रिलीज किया गया है कि ये इस तरह से फैलता हुआ आगे बढ़ रहा है। आप इसको अच्छे से देख पा रहे होंगे, बेहतर तरीके से इसको देख पा रहे होंगे। आगे बढ़ते हैं, देखो ये देखिए, इसका ये जो अगले मैप आपको दिखाई दे रहा है, इस मैप में आप ये देखिए कि ये कितना एरिया कवर कर रहा है, यानी राजस्थान का दक्षिणी भाग और राजस्थान का दक्षिणी पश्चिमी भाग, गुजरात का पूरा 100% पार्ट, और मध्य प्रदेश का कुछ हिस्सा। इसके अलावा देखिए आपके जो महाराष्ट्र है, गोवा है, आपके जो कर्नाटक है और केरल है, केरल के अंदर बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है इसकी वजह से, और ये बहुत ज़्यादा नेगेटिवली इम्पैक्ट वहाँ पर शो कर रहा है भैया। चलिए आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा देखिए, इसी कड़ी में जब हम पूरे भारत की बात कर रहे हैं तो हमारे राजस्थान, जो रंगीला राजस्थान है, इसकी भी बात कर लेते हैं। देखिए, मौसम केंद्र जयपुर ने ये मैप आज ही जारी किया है, 18 मई 2021 की स्थिति बताई है इसने, अगले दिन तक मान्य है, यानी 18 मई तक ये मान्य रहेगा। तो ये क्या बोल रहा है, देखिए, जो आपको रेड कलर में एरिया दिखाई दे रहा है जिसके अंदर आपका दक्षिणी और दक्षिण पश्चिमी राजस्थान, जिसके अंदर देखिए आपके जो बांसवाड़ा वाला एरिया है, आपके जो डूंगरपुर वाला पूरा एरिया है, आपके जो उदयपुर वाला, आपके पाली वाला, राजसमंद वाला, सिरोही वाला और जालौर वाला जो एरिया है, ये राजस्थान के अंदर हाई अलर्ट पे है इस तूफान को लेकर। इसके अलावा जो आपको ऑरेंज कलर के अंदर दिखाई दे रहा है ये थोड़ा नॉर्मल है, और येलो कलर में है ये थोड़ा सा और नॉर्मल है, और जो ग्रीन कलर का, यानी आपके गंगानगर वाला क्षेत्र और हाड़ौती के पठार वाला जो क्षेत्र है, यहाँ पर इस साइक्लोन का कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा। तो दक्षिणी पश्चिमी राजस्थान जो है ये इस साइक्लोन से इफेक्ट हुआ है, तो ध्यान रखिएगा इस बात का। स्वागत है आपका चंदन टेलर जी, हार्दिक अभिनंदन। देखिए, चक्रवाती जो तूफान है तोकाते या तोकते, ये एक भीषण चक्रवाती तूफान है, 17 मई की शाम को गुजरात के तट पर पहुंचने की इसकी उम्मीद जताई जा रही थी, लेकिन ये उससे पहले ही पहुंचने वाला है। आगे बढ़ते हैं, देखिए, मौसम विभाग बोलता है कि ये जो है आपके 150 से 160 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवाएं चलने वाली है। ये तो बेसिक जानकारी है, इसमें से तो कुछ भी प्रश्न आपके एग्जाम में नहीं आएगा, लेकिन अब जो मैटर आगे है वो पूरा आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण है। ये तो करंट की बात हुई, ये तो करंट अफेयर्स की बात हुई कि अभी चल क्या रहा है, तो देखते हैं आगे। अब हमारा देखो पहला प्रश्न आपके यहाँ से बनेगा, क्या प्रश्न बनेगा, ये प्रश्न ये बनेगा, गुड इवनिंग प्रिया जी, स्वागत है आपका,
कि 2021 का पहला चक्रवाती तूफान का नाम क्या है, तोकते या तोकाते, पहला प्रश्न बन गया है। दूसरा प्रश्न क्या है, ये नाम किसने रखा, ये नाम रखा आपके पड़ोसी देश म्यांमार ने, म्यांमार के द्वारा ये नाम लिखा गया है। तो ये देखो क्या लिखा हुआ है, 2021 का पहला चक्रवाती तूफान होगा, इसका नाम म्यांमार की तरफ से तोकाते या तोकते रखा गया है, जिसका अर्थ क्या होता है, जिसका अर्थ होता है अत्यधिक आवाज करने वाली छिपकली। और इस छिपकली की फोटो जो है आप यहाँ पर देख सकते हो बेहतर तरीके से, बिल्कुल आपको दिखाई दे रही है छिपकली। तो ये है तोकाते का मतलब या तोकते का मतलब, ये छिपकली है और ये नाम किसने रखा, म्यांमार में। चलिए आगे बढ़ते हैं, 175 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से ज्यादा तेज इसकी जो हवाएं हैं वो चलने लग गई है। और अभी अभी लेटेस्ट न्यूज ये है कि आपके जो गोवा है यहाँ पर 5 लोगों की से मृत्यु भी हो गई है। अब देखिए आपके लिए बड़े काम का प्रश्न है, कैसे रखा जाता है चक्रवाती तूफानों का नाम, ये नाम कौन रखता है। तो देखिए इस पूरे विश्व के अंदर दो संगठन है, एक का नाम है विश्व मौसम संगठन है और दूसरे का नाम आपके संयुक्त राष्ट्र की जो आर्थिक और सामाजिक आयोग है या परिषद है, ये दोनों मिलकर ये नाम रखते हैं। अब ये नाम कैसे रखते हैं, 8 देश हैं आपके हिंद महासागर के, नाम क्या क्या है, बांग्लादेश, भारत, मालदीव, म्यांमार, ओमान, पाकिस्तान, श्रीलंका और थाईलैंड। ये जो देश हैं इन्हीं देशों के द्वारा एक 8 नामों की एक लिस्ट जारी की जाती है और ये लिस्ट से जो 64 नाम बनते हैं इन्हीं लिस्ट में से क्रमवार देश के हिसाब से क्रमवार इन नामों को उठाया जाता है और इसका नाम रखा जाता है। ये प्रक्रिया कब शुरू हुई, ये प्रक्रिया सन 2004 से शुरू की गई। कब से शुरू की गई, सन 2004 से ये प्रक्रिया शुरू की गई है भैया, कब से, सन 2004 से। आपके लिए काम की बात यह है कि जब 2004 में ये प्रक्रिया शुरू की गई थी उस समय सबसे पहला तूफान कौन सा रखा गया था, यानी सबसे पहला जो तूफान आया था 2004 में उसका नाम क्या रखा गया था, ओ नील, क्या नाम रखा गया था दोस्तों, ओ नील नाम रखा गया था। और ये नाम किसने रखा था, बांग्लादेश ने। ये है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण। ठीक है साथियों आगे बढ़ते हैं, देखिए इस क्रम में ही चक्रवातों के नाम रखे जाते हैं और अभी तक जो चक्रवात आए हैं उनके बारे में आपको बताऊंगा। लेकिन अब ध्यान रखिएगा इसमें लिखा हुआ है बुरेवी, जो नाम मालदीव ने दिया है, तोकाते या तोकते जो म्यांमार ने दिया है, यास जो ओमान ने दिया है, गुलाब जो पाकिस्तान ने दिया है। अप्रैल 2020 में इन नामों की लिस्ट जा चुकी है, इसमें से आपने तोकते या तोकाते म्यांमार का तो देख लिया है। अब जल्दी ही अगर कोई और तूफान आएंगे तो उनका नाम आप देखेंगे बुरेवी, आप देखेंगे यास, आप देखेंगे गुलाब। ठीक है तो अब मुझे उम्मीद है कि ये टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा कि चक्रवाती तूफान का नाम कैसे रखा जाता है। ठीक इसी कड़ी में आगे बढ़ते हैं, बंगाल की खाड़ी के तूफान ज्यादा ताकतवर होते हैं। हिंद महासागर की बात करें तो एक तरफ आपके अरेबियन सी है और एक तरफ आपके क्या है, बंगाल की खाड़ी है। ठीक है तो ध्यान रखना पिछले 120 साल में जितने भी चक्रवाती तूफान आए हैं उसका 14% आपके अरब सागर में आए हैं, बाकी सभी कहाँ आए हैं, बंगाल की खाड़ी में आए हैं, इस बात का ध्यान रखिएगा। और अरब सागर के तूफान अपेक्षाकृत कंपेरेटिवली कमजोर होते हैं, वीक होते हैं, किससे, आपकी बंगाल की खाड़ी की खाड़ी के तूफानों से। तो ध्यान रखिएगा मेरे प्यारे साथियों आगे बढ़ते हैं, कितनी कैटेगरी का तूफान है, ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, कितनी कैटेगरी का तूफान है। देखो अगर कोई सामान्य हवाई चलती है तो उसे हम क्या बोलते हैं, आंधी आ गई है, बबूले आ गया है, इस तरह की हमारी जो सामान्य भाषा होती है उसके अंदर बात करते हैं। लेकिन जब हवा की स्पीड 63 किलोमीटर पर हार की हो जाए तो हम कहते हैं ये ट्रॉपिकल स्ट्रॉम यानी तूफान है, और जब इसकी स्पीड 119 किलोमीटर प्रति घंटे से ज्यादा हो जाए तो इसे ट्रॉपिकल साइक्लोन कहते हैं, ध्यान रखिएगा। इसी तरीके से कैटेगरी 1, 2, 3, 4, 5 पांच कैटेगरियां जो है डिवाइड की गई है आपकी, इसमें कितनी कैटेगरियां हैं दोस्तों, 5 कैटेगरियां हैं। देखो शुरू की जो 4 स्लाइड थी ना वो तो क्या है, ये तूफान आया है। अब इस तूफान आया तो तूफान को पूरा ही पढ़ेंगे तो ही तो हमारा जो है मिलने का आपस में जो सॉरी आपस में जो मिल रहे हैं उसका क्या होगा कि हमारा उद्देश्य पूरा होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखिए किस तरह बनता है चक्रवाती तूफान, मैं आपको सीधा सिंपल ही बता देता हूँ किस तरह बनता है। जैसे ही सनलाइट बहुत ज्यादा आती है, तो वहाँ जो हवा होती है वो गर्म होती है, गर्म होते ही वो हल्की होती है, हल्की होती है हवा वापस ऊपर उठने लग जाती है। जब हवा ऊपर उठ जाती है तो जहां से हवा ऊपर उठी है उस जगह क्या होगा, लो प्रेशर बन जाएगा, क्या हो जाएगा, लो प्रेशर। उसके चारों तरफ की जो हवा है वो हाई प्रेशर की है, तो जो हाई प्रेशर की हवा है वो लो प्रेशर को,
हाई प्रेशर की जो हवा है वो लो प्रेशर को फिलअप करने के लिए जाती है और उसी समय क्या बन जाता है, आपके चक्रवाती तूफान बन जाते हैं। अगर स्पीड 63 किलोमीटर हो या फिर 119 किलोमीटर पर हार हो तो वो किस तरह से किस कैटेगरी में आता है वो मैंने आपको बता ही दिया। इस तरह से आपके चक्रवाती तूफान का निर्माण होता है, चक्रवाती तूफान बनते हैं। ध्यान रखिएगा, गर्मी और नमी जितनी ज़्यादा होती है तूफान उतना ही खतरनाक होता है। जितना गर्मी और नमी ज़्यादा होगी तूफान की जो इंटेंसिटी है वो उतनी ही ज़्यादा होती है। इक्वेटर का मतलब होता है भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा की हम बात करें तो देखो उसके ऊपर यानी उत्तरी गोलार्ध के अंदर जो तूफान अपने बाईं ओर घूमते हैं और दक्षिणी गोलार्ध के अंदर तूफान दाईं ओर यानी एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज ये हवाएं चलती है मेरे प्यारे साथियों। आगे बढ़ते हैं, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, शेयर भी कर दिया करो मेरे प्यारे साथियों। चलिए ये देखो आप एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज दोनों देख सकते हो। अब देखो साल 2020 में आए तूफान, आपके एग्जाम में प्रश्न आएगा भाई, आपके एग्जाम में क्या आएगा, यहाँ से प्रश्न आएगा। ध्यान रखिएगा 2020 में कौन कौन से तूफान आए, अम्फान जो कहाँ आया, पश्चिम बंगाल और ओडिशा के तट पे, यानी ये कौन से कहाँ पर आया, ये बंगाल की खाड़ी में आया। निसर्ग तूफान कहाँ पर आया, गुजरात और महाराष्ट्र यानी अरब सागर में। निवार ये तमिलनाडु और पुदुचेरी, इसका मतलब है ये कहाँ पर आया, आपके बंगाल की खाड़ी में। गाजा तूफान तमिलनाडु, यानी ये गाजा तूफान कहाँ आया, आपके बंगाल की खाड़ी में। ये 2020 में आए प्रमुख तूफान हैं, एग्जाम में आपसे पूछे जा सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं भाई, तूफान और चक्रवात क्या अलग अलग होते हैं, आपके दिमाग में आता होगा क्या तूफान और चक्रवात अलग अलग होते हैं, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। दक्षिणी प्रशांत और हिंद महासागर में उठने वाले तूफानों को अलग नाम से जानते हैं, उत्तरी अटलांटिक और उत्तरी मध्य जो प्रशांत महासागर है उसको वहाँ पर आने वाले चक्रवातों को अलग नाम से जानते हैं। क्या नाम होता है हम जल्दी ही इसको आगे देखते हैं, एक मैप के माध्यम से मैं आपको समझाऊंगा। अब देखो छोटा सा ये देख लेते हैं कि साइक्लोन या चक्रवात कहते किसे हैं। हवाओं का परिवर्तनशील यानी जो हवाएं हैं वो बिल्कुल लगातार कंटिन्यूसली चेंज होती है। अस्थिर चक्र यानी गोलाई के अंदर घूमती है जिनके सेंटर के अंदर लो एयर प्रेशर होता है और उनके आउटर में हाई एयर प्रेशर होता है, उसे ही क्या बोलते हैं आप, उसे ही चक्रवात बोलते हैं। क्या बोलते हैं, चक्रवात। मैंने आपको ये बता दिया कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ये जो है घड़ी की सुइयों की चलने की दिशा के विपरीत यानी एंटी क्लॉकवाइज घूमते हैं और दक्षिणी गोलार्ध यानी साउदर्न हेमिस्फीयर में ये क्लॉकवाइज घूमते हैं, ये होता है चक्रवात। आगे बढ़ते हैं, दो प्रकार के चक्रवात होते हैं, उसमें पहला चक्रवात है शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात। इतना ही ध्यान रखना है कि दोनों गोलार्ध में जो आपके 35 से 65 डिग्री अक्षांश है वहाँ पर चलने वाले आपके जो आपके तूफान है या फिर जो आपके जो चक्रवात है वो शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात कहलाते हैं। ये बात आप ध्यान रखिएगा, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात मुख्य रूप से कहाँ आते हैं, उत्तरी अटलांटिक महासागर में, भूमध्य सागर में, उत्तरी प्रशांत महासागर में और चीन सागर में। यानी शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवातों का हिंद महासागर से कोई संबंध नहीं है, ध्यान रखिएगा इस बात का। चलिए ये देखिए आप, ये पूरा मैप आपको दिखाई दे रहा है। देखो हरिकेन, आपको पैसिफिक ओशन के अंदर जो है आपको हरिकेन दिखाई दे रहा है, आपको जो अटलांटिक ओशन है वहाँ पर आपको हरिकेन दिखाई दे रहा है और इंडियन ओशन के पास देखिए और दक्षिणी अटलांटिक महासागर के पास आप देखिए आपको दिखाई दे रहा है ट्रॉपिकल साइक्लोन और ऑस्ट्रेलिया के पास देखिए आपको दिखाई दे रहा है ट्रॉपिकल साइक्लोन। ठीक है, तो ये कुछ इसके नाम जो है स्पेसिफाई हैं, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको आगे बढ़ाते रहिए। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं, देखो दूसरे प्रकार का होता है उष्ण कटिबंधीय चक्रवात। आपकी कर्क रेखा से मकर रेखा के बीच में यानी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच का जो एरिया है उस एरिया के अंदर जो चक्रवात आते हैं उसे उष्ण कटिबंधीय चक्रवात कहते हैं। और ध्यान देना कि 5 से या 8 डिग्री से 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश यानी नॉर्दर्न लैटिट्यूड और इसी तरीके से दक्षिणी गोलार्ध के अंदर भी इसी सेम जगह पर जो तूफान आते हैं उसे उष्ण कटिबंधीय चक्रवात कहते हैं। यानी चक्रवात दो प्रकार के हुए, शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात और दूसरा कौन सा हुआ, उष्ण कटिबंधीय चक्रवात। मेरे प्यारे साथियों आगे बढ़ते हैं, उष्ण कटिबंधीय चक्रवात अत्यधिक विनाशकारी होते हैं, ये ध्यान रखिएगा। इनकी उत्पत्ति कर्क और मकर रेखाओं के मध्य महासागरीय क्षेत्रों में होती है, ठीक है, उसके बाद में ये इस द लैंड पार्ट की तरफ ये मूव करते हैं।
ये दोनों प्रकार के मैंने आपको बता दिए हैं। और उष्णकटिबंधीय चक्रवातों का प्रमुख क्षेत्र कैरेबियन सी, चाइना सी, इंडियन ओशियन और ऑस्ट्रेलिया, ये जो चार मैंने आपको नाम लिखे हैं, ये उष्णकटिबंधीय चक्रवातों के आपके जो है प्रमुख एरिया हैं। ध्यान देना, उष्णकटिबंधीय चक्रवातों के मध्य केंद्र में जो शांत क्षेत्र पाया जाता है उसे इस चक्रवात की आंख कहते हैं, आई ऑफ साइक्लोन कहते हैं। जबकि शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवातों में इस प्रकार की आंख का अभाव पाया जाता है। क्या पाया जाता है साथियों? इस प्रकार की आंख का अभाव पाया जाता है। मेरे प्यारे साथियों, ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें थी आपके, किसके रिगार्डिंग? आपके आज साइक्लोन के रिगार्डिंग। मुख्य जो बात थी हमारी वो किसके लिए थी? वो हमारे म्यांमार का जो नाम दिया गया है उसके लिए ये महत्वपूर्ण बात मैंने आपको बताई। आप अब समझ गए होंगे कि जो आपके साइक्लोन होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, कहाँ किस क्षेत्र में किस नाम से जाने जाते हैं, साइक्लोन का नाम कैसे रखा जाता है, और अभी भारत जो है इस साइक्लोन से कैसे पीड़ित हो गया है, इन सब के बारे में हमने चर्चा करी। तो साथियों, यही आज एक छोटा सा जो है टॉपिक मैं आपके लिए लेके आया था। तो अब बताइए, अब मैं आपसे बात करता हूँ, आप देखोगे कि बात ही नहीं करते हैं सर। तो अब बताइए मेरे प्यारे साथियों, चंदन जी स्वागत है, ओके ओके, प्रिया जी स्पीड बिल्कुल कम रखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, विजय जी स्वागत है आपका। मेरे प्यारे साथियों, बस आपसे इतना ही है कि आप जो है इसको जितना ज़्यादा हो सके उतना अगर आप इसे शेयर कर देंगे तो ये क्या होगा, आपके लिए भी बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा और मेरे लिए भी बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा, इसके अंदर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है मेरे प्यारे साथियों। अब आप समझ गए होंगे बेहतर तरीके से इन चीज़ों को। तो अब इसके अंदर और क्या, स्वागत है आपका अक्षय जी, और क्या चेंज कर सकते हैं आप मुझे बता दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, बोलिए साहब। अब आपके लिए हूँ मैं, आपसे बात करने के लिए हूँ यहाँ पर। देखो, हिंदुस्तान है, कोरोना जल्दी ही डीमोटिवेट होगा, क्योंकि हिंदुस्तान के अंदर जो है आज तक कोई इतना ज़्यादा नेगेटिव चीज़ जो है इतनी मोटिवेट नहीं रह सकी। जब अंग्रेजों को ही हमने भगा दिया तो ये क्या चीज़ है कोरोना है। स्वागत है आपका हीना खान साहब, स्वागत, हार्दिक अभिनंदन, बताइए। और अब देखिए, मैं डेली आपके लिए इस तरह के टॉपिक लेके आऊँगा करंट अफेयर्स के, अगर आप इनको निश्चित तौर पे नोट्स बना के काम करेंगे तो मैं ये विश्वास दिला सकता हूँ आपको कि आपको कोई भी नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं आएगा, आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। और जल्दी ही इस मंच पर जो सिलेक्टेड अधिकारी होंगे उनको भी लाया जाएगा और आपसे रूबरू जल्दी ही करवाया जाएगा। और इसका, इस वैकेंसी का जैसे ही फाइनल रिजल्ट आता है तब हमारे ग्रुप के जो और माननीय सदस्य यहाँ पर आएंगे उनसे भी आप रूबरू करवाएंगे और आपकी पढ़ाई को हम कंटिन्यू रखने का प्रयास करेंगे। बस आपसे इतना ही है प्रिया जी, कोई दिक्कत नहीं है, हम आपकी बात पे गौर फरमाएंगे कि कंटेंट बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया, अगर स्पीड ज़्यादा है तो मैं थोड़ा कम करूँगा, कल थोड़ा और इसे जो है आपस में वार्तालाप करते हुए हम आगे बढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही मेरे प्यारे साथियों, अपना ध्यान रखिएगा, अपना ध्यान रखिए, अपने परिवार का ध्यान रखिए और अपने निकटवर्ती पड़ोसियों का भी ध्यान रखना, क्यों, एक जिम्मेदार भारत देश के जिम्मेदार नागरिक हो। चलिए मेरे प्यारे मित्रों, आज के लिए इतना ही, जय हिंद।